शालोम अलेखिम, मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का जो हम वचन देखने वाले हैं वो है रोमियों की पत्री उसका छठा भाग चौथी आयत, जहां कहते हैं, सो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे, ताकि जैसे परमपिता की महिमामय शक्ति के द्वारा यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया दिया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ तो बपतिस्मा का चित्रण है कि जैसे हम पापों की माफ़ी लेते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु की कृपा में हमारे पाप माफ़ कर दिए जाते हैं, और सृष्टि में केवल प्रभु यीशु है जिससे पापों की माफ़ी मिलती है, और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करने के द्वारा ही केवल पापों की माफ़ी मिल सकती है। हमारे कोई अच्छे काम, हमारे दान धर्म या लोगों की सेवाओं के द्वारा नहीं, पर केवल प्रभु यीशु पे भरोसा करने के द्वारा ही हमें नया जीवन मिलता है, हमें पापों की माफ़ी मिलती है और अनंत काल के लिए हम जिंदा रहते हैं। पापों की माफ़ी के बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब ये एक चित्रण है हमारे पापों में, हमारे पुराने जीवन में हम मर जाते हैं और प्रभु यीशु के साथ हम गाड़े जाते हैं। प्रभु यीशु जैसे जिंदा हुए, वैसे ही हम वापस जिंदा होते हैं, पर एक नए व्यक्ति की तरह, एक नए जन्म द्वारा, एक नई मन से, एक नए आत्मा से, एक नए सोच से हम जिंदा होते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु जिंदा होने के बाद कब्र में ही नहीं रहे पर जी उठे और चल के बाहर आए, उसी तरह से हम जब नया जीवन पा लेते हैं तो हम वैसे ही नहीं बैठ सकते। हमारे जीवन लोगों के मध्य में आना चाहिए। हम बाहर आएंगे तभी लोग हमारे नए जीवन को देख पाएंगे। लोगों के साथ जब भी हम रहते हैं तब उन्हीं लोगों ने हमें देखा होगा। जब हम पुराने जीवन में होंगे तब काफ़ी लोगों के साथ हम घुलते मिलते होंगे। कई लोग हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी, हमारे कई सारे रिलेटिव्स, जिन्होंने हमें देखा होगा, हमें दुख में है, हम निराश है, हम निष्फल हो चुके हैं, हम में विश्वास नहीं है, हम आंसू सार रहे होते हैं और जगत में और दुनिया में हम फंसे हुए होते हैं और जगत की बातों में बड़ा आनंद कर रहे होते हैं। उस तरह से हमारे लोगों ने हमें देखा हुआ होता है कि किस तरह से हम परेशानियों में, समस्याओं में, और शैतान को कितना हम बढ़ावा दे रहे होते हैं, सब कुछ देखा हुआ होता है। पर जब हम नए जीवन के द्वारा उनके मध्य में जब जाएंगे तो एक नया व्यक्ति उनको दिखना चाहिए, जो जिसको जगत से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो शैतान का कोई दास है, ना ही पापों में फंसा हुआ है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो निष्फल होके बस उदास बैठा रहता है। पर ये तो एक नया बंदा है, ये कोई एक नई व्यक्ति है जिसके अंदर एक नई सोच है, एक नया विचार है, जीवन के प्रति एक नया नजरिया है। प्रभु यीशु की जो सेवा करता है, जिसमें आज खुशी है, आनंद है, जो लोगों को प्रोत्साहित करता है, जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनमें एक आशा उत्पन्न होती है। जैसी खुशी, जिस तरह का आनंद हमारे अंदर है, उसी तरह का आनंद वो भी पा सकते हैं। रास्ता केवल एक है, प्रभु यीशु पे भरोसा करने के द्वारा। हमें बस हमारा जीवन उनको दिखाना है। जब नया जीवन लोग देखेंगे तो देखेंगे कि अब ये पापों में बंधा हुआ नहीं है, ना ही शैतान की गुलामी कर रहा है, पर अब तो वो पाप करने से कतराता है, पाप को धिक्कारता है, इस जगत से दूर रहता है। वो देखेंगे कि ये पहले धार्मिक बंदा था, अब ये आत्मिक बंदा है जो आत्मा से चलता है, जिसकी अगुवाई प्रभु यीशु करते हैं। जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ लोग देखते हैं कि ये गलत काम नहीं करता, ना ही ये कोई ऐसा रास्ता अपनाता है कि जिससे जल्दी काम हो जाए। चाहे हम प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए ही गए हो, पर कोई ऐसा रास्ता ना अपनाए कि जिससे दूसरे लोग हमें देख के ठोकर खाए और ये सोचे कि केवल इसका बाहरी जीवन अच्छा है पर अंदर से ये अभी भी सड़ा हुआ है। जब प्रभु हमें बदलता है तो पूरा बदलता है, हमारे आत्मा से लेके हमारे शरीर तक को बदल देता है। अब हमारे में कोई परेशानियां नहीं है, अब हमारे में कोई बीमारी नहीं है, अब हमारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो शैतान जिस पे हुकूमत करता हो। अब हम निष्फल नहीं है, अब हम संगति करते हैं, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, एक विजयी का जीवन जीते हैं, आनंद से भरे हुए, ऐसा आनंद कि जो अपने आसपास के हर एक बंदे में उस आनंद को ट्रांसफर करे। हमारे साथ लोग बात करने हैं और हमें मिले, और हमारे साथ जब अपने तकलीफें शेयर करें, उसके बाद वो भी हमारा आनंद पाएंगे।
हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तब उनकी परेशानियां बढ़ेगी नहीं परंतु गायब हो जाएगी। जब वो हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तब उनमें खुशी आएगी, वो और प्रोत्साहित होंगे। कई जीवन ऐसे होते हैं जो प्रभु में चल रहे होते फिर टूट जाते हैं। जगत की बहुत सारी समस्याओं से और तकलीफों से वो दब जाते हैं, कसौटियों में से वो हार गए होते हैं। जब भी ऐसे लोगों को मिले तो हमारी वचन के द्वारा, हमारे बात करने के द्वारा, प्रभु यीशु का प्यार उनमें जिंदा करने के द्वारा उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको वापस से खड़ा करने में मदद करें। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि वो मरा पड़ा रहे, पाप में जिए, कोई नहीं चाहता। बस ऐसे लोगों के लिए जो पाप में जी रहे हो उनके मध्य में हम एक चिराग बने, एक ज्योति बने, एक आग बने कि जिनके द्वारा वो भी जल सके, जिनके द्वारा वो भी खड़े हो सके, जो गिर गए हैं उनको सहारा दे। क्योंकि यही हमारा नया जीवन है। अब हम हमारे लिए नहीं जीते परंतु प्रभु यीशु के लिए जीते हैं, उनके लोगों के लिए जीते हैं। जब हमारी संगति का, हमारा आराधना का जीवन लोग देखते हैं तो वो खुद खड़े होने की कोशिश करते हैं। बस हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको खुशी देनी है, उनको आनंद देना है, उनके लिए बोझ से प्रभु यीशु के चरणों में बैठना है और वो भी विजयी होंगे क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें ये काम दिया है उनके लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, हम जहाँ भी जाए वहाँ हमारा नया जीवन हम दिखा पाए ऐसा होने दो प्रभु। अगर अब भी हमारे अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो अशुद्धियाँ है, जो शैतान की है, जो जगत की है, जो ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता, सारी चीज़ें हमारे में से दूर कर दो प्रभु। संपूर्ण नया जीवन दो जो जलता हो, जो प्रकाशता हो और हमारे आसपास सभी को खुशी देता हो, जो आपके पास लोगों को लेके आए, जो आपकी उष्मा से लोगों को गर्म करे। प्रभु हमें ऐसा जीवन दो जिससे लोग खुशियाँ प्राप्त करें, जिससे लोग की समस्याएँ दूर हों, जिससे लोग आपके चरणों में झुक सके प्रभु, जिससे लोग प्रोत्साहित हो कि प्रभु के साथ चलना है। हमारे जीवन को प्रभु संपूर्ण तरीके से आप बदल दो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।